हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल जोंस पर और हम फिर से वापस आ गए आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2020 से बहुत से मोबाइल फोन के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। जी हां फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना। 1 अप्रैल 2020 से ज्यादातर मोबाइल फोन कंपनियों ने अपने मोबाइल फोन के प्राइस इंक्रीज कर दिए हैं एंड प्राइस इंक्रीज होने का मेन रीजन है मोबाइल फोन में जीएसटी का इंक्रीज होना। फ्रेंड क्या है ना, पहले मोबाइल फोन्स में 12% जीएसटी लगता था, बट 1 अप्रैल 2020 से गवर्नमेंट ने ये बढ़ाकर 18% कर दिया है। या फ्रेंड, जो पहले जीएसटी 12% होता था फोन पे, वो 1 अप्रैल से 18% हो गया है। यही रीजन है कि सारी मोबाइल फोन कंपनियों को इंडिया पे अपने मोबाइल फोन की प्राइस इंक्रीज करने पड़े हैं। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको रियलमी एंड शाओमी के फोन्स के न्यू प्राइस बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों ब्रांड्स के कौन कौन से फोन पे कितने प्राइस इंक्रीज हुए हैं एंड इन फोन्स के न्यू प्राइस क्या होने वाले हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे डील्स अपने मोबाइल पे पाते रहें और अपने पैसे बचाते रहें। फ्रेंड, जल्दी से आप एक चीज नोट कर लीजिए, अगर आपने मार्च में फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई भी मोबाइल फोन परचेज किया है एंड वो आपको डिलीवर नहीं हुआ है तो उसे आप कैंसिल बिल्कुल मत करिएगा, बिकॉज अब आप सेम मोबाइल फोन को अगर अप्रैल में परचेज करोगे तो उसके लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द मोबाइल फोन्स के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। सो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि मार्च वाले मोबाइल फोन्स के ऑर्डर कैंसिल मत करिएगा एंड लॉकडाउन के हटने तक का वेट कर लीजिए, बिकॉज लॉकडाउन के हटते ही आपको आपके फोन्स डिलीवर हो जाएंगे एंड अगर आप उन्हीं फोन्स को दोबारा से अप्रैल पे परचेज करोगे तो आपको उसके लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा। सो चलिए फ्रेंड, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताते हैं रियलमी एंड शाओमी के फोन्स के न्यू प्राइसेस के बारे पे। फ्रेंड सबसे पहले हम बात करेंगे रियलमी के फोन्स के बारे पे। फ्रेंड सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियलमी 6 एंड रियलमी 6 प्रो के प्राइस से। फ्रेंड रियलमी 6 में 1000 रुपीज तक का प्राइस इंक्रीज हुआ है। अगर आप अप्रैल पे आप रियलमी 6 का कोई भी वेरिएंट परचेज करोगे तो सभी वेरिएंट पे इस पे 1000 रुपीज के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। आप इसके ओल्ड प्राइस एंड न्यू प्राइस हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और फ्रेंड अगर हम रियलमी 6 प्रो की बात करें तो रियलमी 6 प्रो पे भी 1000 रुपीज का इंक्रीज हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप अप्रैल पे आप रियलमी 6 प्रो का कोई भी वेरिएंट परचेज करोगे तो आपको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। फ्रेंड हमारे स्क्रीन पे एक बार आप और देख लीजिए, सभी फोन्स के ओल्ड प्राइस एंड न्यू प्राइस शो हो रहे हैं। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए इनके ओल्ड प्राइस क्या थे एंड न्यू प्राइस क्या होने वाले हैं। और फ्रेंड अगर हम रियलमी C3 की बात करें तो रियलमी C3 के भी प्राइस 500 रुपीज तक इंक्रीज हो गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, रियलमी C3 पे 500 रुपीज तक के प्राइस इंक्रीज हुए हैं। और फ्रेंड अगर हम रियलमी X50 प्रो की बात करें तो इसके सारे वेरियंट के प्राइस 2000 रुपीज तक इंक्रीज हो गए हैं। आप एक बार और सभी के प्राइस हमारे स्क्रीन पे देख लीजिए और नोट कर लीजिए। फ्रेंड अगर हम बाकी रियलमी के फोन्स की बात करें तो रियलमी के 5i पे 1000 रुपीज के प्राइस इंक्रीज हुए हैं। ये भी सारे वेरिएंट पे इंक्रीज हुए हैं। एंड फ्रेंड जो रियलमी का X2 है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फोन्स रहा है 2020 का, इस पे भी 1000 रुपीज के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, रियलमी X2 के भी प्राइस इंक्रीज हो गए हैं और इसके दोनों ही वेरियंट के प्राइस 1000 रुपीज तक इंक्रीज हुए हैं। एक्चुअली दोनों नहीं, तीनों ही वेरियंट के प्राइस इसके 1000 रुपीज तक इंक्रीज हो गए हैं। और फिर अगर हम रियलमी X2 प्रो की बात करें, ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फोन रहा है 2020 का, इसके भी दोनों ही वेरिएंट के प्राइस 2000 रुपीज तक इंक्रीज हो गए हैं। और फिर अगर हम रियलमी 5S की बात करें तो इसके भी दोनों ही वेरिएंट के प्राइस 1000 रुपीज तक इंक्रीज हुए हैं। और फ्रेंड रियलमी XT के भी तीनों ही वेरिएंट के प्राइस 1000 रुपीज तक इंक्रीज हुए हैं। फ्रेंड सभी के प्राइस हमारी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस एक बार और नोट कर लीजिए। और फ्रेंड अगर रियलमी X की बात करें तो इसके भी तीनों ही वेरिएंट के प्राइस 1000 रुपीज तक इंक्रीज हो गए हैं। एंड फ्रेंड जो रियलमी का 3i है, 3+32GB वाला वेरिएंट, इसके प्राइस 1000 रुपीज तक इंक्रीज हुए हैं। एंड फ्रेंड जो रियलमी 3i का 4+64GB वाला वेरिएंट है, इसके प्राइस 500 रुपीज तक इंक्रीज हुए हैं। आपको ओल्ड एंड न्यू प्राइस हमारी स्क्रीन पे दिख जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, आप जल्दी से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको अब बताते हैं शाओमी के फोन्स के न्यू प्राइजेस के बारे में। फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं रेडमी के नोट 9 प्रो की। फ्रेंड रेडमी का जो नोट 9 प्रो है, अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है एंड अप्रैल में इसके प्राइस 1000 रुपीज तक इंक्रीज हो गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, जो रेडमी का नोट 9 प्रो अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था, इसके प्राइस 1000 रुपीज तक इंक्रीज हो गए हैं। एंड ये जो प्राइस इंक्रीज हुए हैं, ये रेडमी नोट 9 प्रो के दोनों ही वेरियंट पे इंक्रीज हुए हैं।
और फ्रेंड अगर हम रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स की बात करें, ये भी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, इसके भी सारे वेरिएंट के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। अगर आप इसका 6+64 GB वाला वेरिएंट अब परचेस करते हो तो उसमें आपको 1500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, बिकॉज 6+64 GB पे 1500 रुपीज तक के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। एंड फ्रेंड जो इसका 6+120 GB वाला वेरियंट था उस पर 1000 रुपीज तक इंक्रीज हो गए हैं। और फ्रेंड जो Redmi Note 9 Pro Max का 8+120 GB वाला वेरिएंट था उस पर भी 1000 रुपीज तक के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। फ्रेंड्स अगर हम Redmi Note 8 Pro की बात करें जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फोन है अमेजोन में, इसके प्राइस भी इंक्रीज हो गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, जो Redmi Note 8 Pro है इसके तीनों वेरिएंट के प्राइस 1000 रुपीज तक इंक्रीज हो गए हैं। सो अगर आप इसे आप अप्रैल में परचेज करोगे तो आपको 1000 रुपीज का एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड फ्रेंड अगर आपने इसे मार्च पे परचेज किया तो आप इसे तो बिल्कुल भी कैंसिल मत करिए, क्योंकि बहुत बढ़िया फोन है एंड इसके प्राइस 1 अप्रैल 2020 से इंक्रीज हो गए हैं। और फ्रेंड अगर हम Redmi 8A की बात करें तो इसके दोनों ही वेरिएंट के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, Redmi 8A के दोनों ही वेरिएंट के प्राइस 500 रुपीज तक के इंक्रीज हो गए हैं। और फ्रेंड जो Redmi 8 है इसके प्राइस भी इंक्रीज हो गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, Redmi 8A के प्राइस 800 रुपीज तक के इंक्रीज हुए हैं। और फ्रेंड अगर हम Redmi Note 7S की बात करें तो अगर आप इसका 3+32 GB वेरियंट परचेस करते हो तो इस पर आपको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पड़ेंगे, क्योंकि Redmi के Note 7S के 3+32 GB वाले वेरियंट के प्राइस 1000 रुपीज तक इंक्रीज हो गए हैं। और फ्रेंड जो Redmi Note 7S का 4+64 GB वाला वेरियंट है इसके प्राइस इंक्रीज हुए हैं 2000 रुपीज। या फ्रेंड जो Redmi का Note 7S है इसके 4+64 GB वाले वेरिएंट के प्राइस 2000 रुपीज तक इंक्रीज हो गए। और फ्रेंड जो Redmi का Note 7 Pro है ये भी 2019 का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फोन रहा है फ्लिपकार्ट पे, इसके भी प्राइस फाइनली इंक्रीज हो गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, जो Redmi का Note 7 Pro है इसका 4+64 GB वाला वेरियंट पे 1000 रुपीज तक के प्राइस इंक्रीज हुए हैं। और फ्रेंड जो Redmi का Note 7 Pro है इसका 6+64 GB एंड 6+128 GB इन दोनों वेरिएंट के प्राइस भी 2000 रुपीज तक इंक्रीज हुए हैं। इन सभी फोन्स के प्राइस के ओल्ड एंड न्यू प्राइस आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और फ्रेंड जो Redmi का K20 है इसके प्राइस भी फाइनली इंक्रीज हो गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, जो Redmi का K20 है 6+64 GB वाला वेरियंट इसके प्राइस 2000 रुपीज तक इंक्रीज हुए हैं। और फ्रेंड जो Redmi K20 का 6+120 GB वाला वेरिएंट है इसके प्राइस 1300 रुपीज तक इंक्रीज हुए हैं। और फ्रेंड जो Redmi का K20 प्राइस है सॉरी फ्रेंड जो Redmi का K20 Pro है इसके दोनों ही फोन्स के प्राइस 2000 रुपीज तक इंक्रीज हो गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, Redmi के K20 Pro के 6+120 GB वाला वेरिएंट और 8+256 GB वाला वेरिएंट दोनों की प्राइस 2000 रुपीज तक इंक्रीज हो गए हैं। फ्रेंड इन दोनों ही फोन्स के प्राइस भी आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे सारे फोन्स के ओल्ड प्राइस एंड न्यू प्राइस शो हो रहे हैं और किस पे कितने प्राइस हाइक हुए हैं वो भी आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड, ये थे रियलमी के एंड शाओमी के फोन्स के न्यू प्राइस जो कि 1 अप्रैल 2020 से इंक्रीज हो गए हैं। अगर कोई भी ऐसा फोन हो रियलमी या शाओमी का जिसके प्राइस हम इस पे बताना भूल गए हो, या अगर आपको कोई भी इन दोनों कंपनी के फोन परचेज करने हो और अगर आप उसके न्यू प्राइस जानना चाहते हो तो आप जस्ट कमेंट बॉक्स पे पोस्ट कर दीजिए, हम आपको वहां पे बता देंगे कि उस फोन पे प्राइस इंक्रीज हुए हैं या नहीं हुए हैं। एंड फ्रेंड जो अदर्स कंपनी है लाइक एप्पल हो गई, सैमसंग हो गई, ओप्पो, वीवो, इन सारी कंपनीज ने भी अपने फोन्स के प्राइस इंक्रीज कर दिए हैं, उसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्दी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। हम उन वीडियोस पे बता देंगे कि किस कंपनी ने किस फोन पे कितने प्राइस इंक्रीज किए हुए हैं। सो फ्रेंड आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और फ्रेंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले दिन में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।